हिमाचल में जाने से पहले ही मैंने सोचा था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है, लेकिन पूरे हिमाचल में मिली नहीं, जो कि थी सिर्फ और सिर्फ डलहौजी में। वो भी चोरी छुपे ये लोग कराते थे, इसलिए मैं भी पहुंच गया डलहौजी। वैसे डलहौजी मेरा ननियाल भी है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले मैंने रेंट पे ली एक बाइक, क्योंकि हमें जाना था खजियार, और खजियार के रास्ते में इतनी बर्फ थी इसलिए हमें लेनी पड़ी बाइक, क्योंकि बाइक से ही जाना पड़ेगा 80 किलोमीटर। वैसे सिर्फ 15 किलोमीटर है खजियार, लेकिन बर्फ के कारण हमें 80 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ये जो सामने बुलेट है, हमने ये देखी, ये भी हमें समझ नहीं आई। हमने ली हिमालयन, जिसका रेंट था 1000 रुपीज, और 1000 रुपीज ही आपको सिक्योरिटी चार्ज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आप पेट्रोल अपना डालेंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ 1 लीटर डाल के ही देते हैं, बाकी आपको जाके पेट्रोल पंप पे डलवाना पड़ेगा। बाइक लेने के बाद एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, आपको हेलमेट लेना है और हमेशा लगाए रखना है। ये जो है ये यहाँ की रेट्स है जो आप देख सकते हैं। डलहौजी से हमें वापस नीचे उतरना है बनीखेत की तरफ, और फिर वहां से वाया चंबा खजियार जाना है। रास्ता बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि 80 किलोमीटर तय करने ना, तो रास्ता देखते देखते चलना है हमें। बर्फ वाली वीडियोस तो मैंने आपको मनाली वाली भी दिखाई, शिमला वाली भी बताई, और सोलांग वैली वाली भी बताई। अगर आपने मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। और यहाँ भी बर्फ दिखाऊंगा मैं आपको, सामने वो ग्लेशियर्स दिख रहे हैं ना बर्फ के, देख पा रहे हैं आप? वो अभी दूर है, अभी आपको पास से भी दिखाता हूँ। हम ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर आ चुके हैं, हमें अब चंबा जाना है। चंबा जाने के बीच में हमें मिल गई है रावी नदी, जो आपको पता है ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है। अभी मैं आपको आगे उसके सीन्स कुछ दिखाऊंगा। आगे चलते हैं, आप इस तरफ है चंबा, और इसी तरफ ही रावी नदी भी आने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं। नदी ये रही रावी। हम फिलहाल परिहार गांव में हैं, और सामने बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं, जहां पे हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जिस जगह का नाम क्या है आपको पता है? मिनी स्विट्ज़रलैंड, जो खजियार नाम से फेमस है। चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम निकलते हैं। ये देखिए, रवि के साथ ये रावी नदी भी चलती आ रही थी, बट अब आपने देखा होगा इंडिया के मैप में भी और यहाँ पे भी, ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट विलुप्त होने की कगार पे है। तो सारा पानी सूख चुका है, थोड़ा सा चल रहा है आगे तक। मैं आपके दिखाऊंगा आगे आगे, जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे कि कितना आगे चल रहा है। फिलहाल चलते हैं हम खजियार की तरफ। अब आप ऊपर देख सकते हो ये चंबा टाउन 4 किलोमीटर और आगे, और खजियार यहाँ से 23 किलोमीटर इस तरफ राइट हैंड साइड में। तो हमें जाना है खजियार। आगे से कौन सा टर्न है अभी आगे देखते हैं, किसी से पूछ लेंगे टर्न कौन सा। ये तो नहीं है, ये नहीं होगा। मैं रहने वाला हूं प्लेन्स का, और अभी जो जगह है वो सच में इतनी डरावनी है। इतनी बड़े बड़े पहाड़ और उस पर कोई बैरिकेडिंग नहीं, गाड़ी चलाने में तो इतना डर लग रहा है ना, क्या बताऊं मैं आपको। हिमाचल प्रदेश के जो लोकल बस के जो ड्राइवर है ना, वो एक साइड में तो मुंह में बीड़ी लगाते हैं और दूसरे साइड में इतनी फास्ट निकालते हैं ना इन रास्तों पे, तो आप सोच सकते हैं कितना डेंजरस है। हमारे जैसे तो अंदर ही आपको पता है क्या करने वाले होते हैं। ये इतना पहाड़, इतना बड़ा, नीचे देखो ना तो हड्डियां तो क्या, कुछ भी नहीं मिलने वाला आपका, इतनी बड़ी खाइयां हैं यहाँ पे। लेकिन ये है एकदम स्वर्ग से कम नहीं। चारों तरफ बर्फ की चादर, छोटे छोटे टेरेस पार्क्स, टेरेक्स गार्डन्स, और उन पे जमी हुई बर्फ लगती है ना एकदम जन्नत जैसी। ऐसी जगह कौन नहीं जाना चाहेगा। मैं तो मन करे तो मैं यहीं सेटल हो जाऊं, इतनी शानदार जगह है ये। फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया के मिनी स्विट्ज़रलैंड में। ये वो नज़ारा है। अभी थोड़ी बर्फ़ कम हो चुकी है, लेकिन जब यहाँ बर्फ़ होती है
पूरा बर्फ से भरा होता है। हम आज यहाँ पे सिर्फ पैराग्लाइडिंग करना है, जो कि हम जल्दी से करने वाले हैं, और उसका वीडियो मैं आपको ज़रूर भेजूंगा। वो जो आपने पहले देखा था ना, 500 रुपये दे के लैंड कराने वाला, वो यहीं की शूटिंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब पैराग्लाइडिंग करने चलते हैं। फिर भी यहाँ की थोड़ी आपको नज़ारे बता देता हूँ, क्योंकि अब कम ही बर्फ़ बची है यहाँ पर। ये जब ये पूरा वाइट चादर से ओढ़ जाता है ना, तब ये पूरा स्विट्ज़रलैंड की तरह लगता है। स्विट्ज़रलैंड में भी एक जगह है जहाँ सेम ऐसा कैसा व्यू है, चारों तरफ पेड़ और बीच में बर्फ। ये इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड है। अब हमारा फाइनल पार्ट, जो चीज़ हम करने आए थे ना यहाँ पे, वो होने वाली है, जो कि है पैराग्लाइडिंग। ये वाले भैया जो हमारे ड्राइवर हैं, और इन्होंने लिए हैं 2000 रुपये 10 मिनट की फ्लाइंग के लिए। पैराग्लाइडिंग में डर लगता है वो तो ठीक है, लेकिन नीचे से जब चढ़ के ना ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है ना, तब आप कितनी बार गिरेंगे और कितनी बार खड़े होंगे वो आपको ही नहीं पता। इतने हाइट पे आ गया हूँ, अब यहीं से मुझे पैराग्लाइडिंग करनी है। हालत देख सकते हो आप मेरे जूतों की, सब मिट्टी से भर गया है। इस तरफ तो है बर्फ, इस तरफ है कीचड़, और इस कीचड़ से पैदल पैदल ऊपर आना है। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है, थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। ये वो एक्चुअल पॉइंट है जहां से रनिंग करके इसी तरीके से आपको नीचे कूदना पड़ेगा। ये पैराग्लाइडिंग जो मैंने करी, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। पैराग्लाइडिंग कर ली है, अब बर्फ में तो यहाँ क्या घूमना। बर्फ हमने ऑलरेडी दो जगह, कुफरी और सोलांग वैली में हमने कर ली थी, तो बस अब यहाँ बर्फ में जाने का मन तो नहीं है। सिर्फ पैराग्लाइडिंग करनी थी, वो पूरे हिमाचल में नहीं हो रही थी, यहीं पे हो रही थी, वो करी हमने। हालत देख सकते हैं आप मेरी, पूरी गंदी हो रखी है, इधर से उधर से मिट्टी भरी है। चलते हैं अब, क्योंकि अब हमें डलहौजी पहुंचना है अंधेरा होने से पहले। अंधेरा होने के बाद ही पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे पहले पहुँचना है। तकरीबन 60 किलोमीटर आ गए हैं हमारी इम्पल्स पे हम, अब बचे हैं 18 किलोमीटर और 45 + 25 बहुत लंबा सफ़र था। अब रास्ता इतना कठिन है, आपको क्या बताऊं। ये देखिए, तो घुमावदार पहाड़ के बीच में से, और हमें उस चोटी तक जाना है, वो उधर, उससे भी आगे वाली होगी शायद। तो फिर से शुरू करते हैं, 2 मिनट का गैप लेके। चलिए मिलते हैं अब सीधा डलहौजी में।